हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर वीडियो। आज हम लोग एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हमने एक ट्रैफिक सिग्नल लाइट बनाई है विद द हेल्प ऑफ आर्डिनो। तो जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल लाइट के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक सिग्नल हमारा ग्रीन रहता है तब तक दूसरा सिग्नल हमारा रेड रहता है, और जैसे ही दूसरा सिग्नल हमारा ग्रीन होगा वैसे ही फर्स्ट सिग्नल हमारा रेड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार सिमुलेशन स्टार्ट करके देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द सिमुलेशन। जैसे ही हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, यहाँ पर ग्रीन लाइट आ रही है और यहाँ पर एक टाइमर चल रहा है। जितने हमने 9 सेकंड का डाला हुआ है, 9 सेकंड के लिए ग्रीन रहेगी, उसी में ये हमारी जैसे ही 1 पर आएगा तो ऑरेंज हो जाएगी। ये ऑरेंज हो गई और ये हमारा रेड ही रहेगा, क्योंकि जब ऑरेंज रहता है तो दूसरा सिग्नल हमारा रेड ही रहता है। अब जैसे ही ये सिग्नल हमारा ग्रीन होगा ये रेड हो जाएगा। ये देखिए, ये ग्रीन हुआ, ये रेड हो गया। अब जैसे ही ये सिग्नल हमारा ग्रीन से ऑरेंज होगा तो ये वाला सिग्नल हमारा रेड ही रहना चाहिए, और जैसे ये ऑरेंज से रेड होगा वैसे ही ये सिग्नल हमारा ग्रीन हो जाना चाहिए। तो देखिए आप लोग, ये ऑरेंज हुआ, ये हमारा रेड ही है और ये ऑरेंज है। अब ये ऑरेंज से रेड होगा और ये हमारा रेड से ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारी प्रोग्रामिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है। ये टू वे ट्रैफिक सिग्नल हमने बनाया है। अगर आप लोग चाहते हैं तो फोर वे ट्रैफिक सिग्नल भी इससे बना सकते हैं। प्रोसीजर सेम ही रहेगा, बस इसमें हमारे इनपुट आउटपुट पिन अभी हमारे कम पड़ गए हैं तो हमको ये एक्सटेंड करने पड़ेंगे। तो एक्सटेंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम या तो दो आर्डिनोज को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग इससे बड़े वाला मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं इसका, जिसे हम आर्डिनो मेगा के नाम से जानते हैं, या फिर हम यहाँ पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले को हम मल्टीप्लेक्सिंग करके भी चला सकते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि अगर मैं मल्टीप्लेक्सिंग की एक अलग से वीडियो बनाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपको मल्टीप्लेक्सिंग की वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे। तो थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियो। थैंक यू।